नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों बोला के क्विक रिव्यू में, ट्रेलर के क्विक रिव्यू में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बाद में मैं आपको डिटेल रिव्यू दूंगा, लेकिन दोस्तों मेरा एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि दोस्तों मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। बाकी सब बातें मैं बाद में करूंगा, डिटेलिंग बाद में बात करूंगा, एक एक सीन की बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इतना बता सकता हूँ कि ट्रेलर देखने के बाद में मेरे मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो अमेजिंग, वाह। ऐसा ट्रेलर मैंने नहीं देखा दोस्तों। ट्रेलर में जो एक्शन सीक्वेंसेस दिए गए हैं बहुत ही बेहतरीन है, सुपर भर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये क्या बनाया इन्होंने, क्या जबरदस्त ट्रेलर काटा है। अजय देवगन सर को मैं एक तरीके से हैट्स ऑफ सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ उनको कि क्या जबरदस्त ट्रेलर उन्होंने बनाया, क्या एक्शन सीक्वेंसेज है, माइंड ब्लोइंग सुपर। ज्यादा शब्द है नहीं इनको, मतलब एक इनको डिफाइन करने के लिए ज्यादा शब्द मेरे पास है नहीं। बीजीएम रवि बसरूर का बीजीएम, और बीजीएम दोस्तों इतना ज्यादा खतरनाक है, इतना जबरदस्त है कि कह नहीं सकता मैं। जब आप इसको आईमैक्स 3D में एक्सपीरियंस करोगे इस बीजीएम का, और इन एक्शन सीक्वेंसेज का जब आप आईमैक्स 3D में आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मेरा दावा है। बहुत ही जबरदस्त मतलब तरीके से इसका बीजीएम है, एक्शन सीक्वेंसेज तो माइंड ब्लोइंग है। अजय देवगन का लुक, उनके डायलॉग्स पे मैं आऊंगा, डायलॉग्स इतने खतरनाक है, इतने जबरदस्त है कि मुझे पिछले कई वर्षों में ऐसी फिल्म नहीं मिली जिसके डायलॉग्स इतने बेहतरीन हो, एक से बढ़कर एक डायलॉग जबरदस्त। और विलेंस को आप देखिए कितने खतरनाक विलेंस है, चाहे वो दीपक डोबरियाल हो या दोस्तों गजराज राव हो, संजय मिश्रा हो, सब एक से बढ़कर एक। तब्बू की परफॉर्मेंस देखिए आप, क्या माइंड ब्लोइंग उनके एक्शन है और क्या जबरदस्त उनके डायलॉग्स है। अजय देवगन के तो बात ही मत कीजिए, अजय देवगन मास महाराजा है, उनके तो जो कुछ भी होता है वो आंखों से ही बोल डालते हैं, तो उनके बारे में तो ज्यादा कुछ कहना उचित ही नहीं है। बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीन उन्होंने एज ए डायरेक्टर और एज ए एक्टर दोनों में ही वे बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं। यहाँ पे अभिषेक बच्चन है, उनकी एक झलक है, बाकी बात करेंगे डिटेल में, बाद में बात करेंगे। और दोस्तों क्या बताऊँ मैं आपको, BGM, एक्शन सिक्वेंसेज, फाइट और डायलॉग्स, सब फिल्म की जान है। और जिस प्रकार के ये कैमरा एंगल का यूज किया गया है, जिस प्रकार के विजुअल्स है, ये विजुअली भी डिलाइटेड मूवी है दोस्तों। ये जो इसके विजुअल्स है, सिनेमाटोग्राफी है, बहुत जबरदस्त है। रात की कहानी है तो रात के दृश्य है ज्यादातर, क्योंकि किस प्रकार से एक प्रिजनर 10 साल के बाद में बाहर लौटता है अपनी बच्ची से मिलना, और किस प्रकार से फिर किन किन दैत्यों से, चेतानों से सामना करना है उसको, बहुत ही माइंड ब्लोइंग, बहुत सुपर एक्सीलेंट शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास इसको डिफाइन करने का। तो दोस्तों मैं तो इसका एक डिटेल्ड रिव्यू आपको दूंगा, उसमें मैं एक एक डायलॉग्स के बारे में बात करूंगा, एक एक सीन के बारे में बात करूंगा, हर कलाकार की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा। फिलहाल इतना ही कहूंगा, आग लगा देगा बॉक्स ऑफिस पर ये ट्रेलर, बॉक्स ऑफिस फाड़ देगा, जबरदस्त तरीके के व्यूज मिलने वाले है। और ये फिल्म नहीं बवाल है, ये बोला नहीं कमाल है ये, डेफिनेटली दोस्तों मैं इसको रेटिंग दूंगा 4.5 स्टार आउट ऑफ 5। हालांकि 5 स्टार आउट ऑफ 5 भी दी जाए तो रेटिंग कोई बुरी बात नहीं होगी। फिलहाल इतना ही, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।